दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप को जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो रिसेंटली में जो इसका एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से अगर आप मेल या फिर फीमेल होंगे तो अगर आप इसके अनुसार आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या ली जा रही है और किस ट्रेड में कितनी सारी रिक्रूटमेंट जो आज यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए आपको यहाँ पर निकाली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड्स के अनुसार यहाँ पर सीटें देखें तो आपका जो ट्रेड्स आपको दी गई है फिटर, टर्नर एंड इलेक्ट्रीशियंस, ये तीनों आपको यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं। जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो फिटर के लिए 4 सीटें हैं, टर्नर के लिए 1 है एंड इलेक्ट्रीशियंस के लिए 3 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पर जो रखी गई है 10th क्लास यहाँ पर रखी गई एंड 10+2, अगर 10 या फिर 10+2 किए होंगे तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में आपका ITI यहाँ पर मांगा गया है, तो अगर आपने ITI फिटर या फिर ITI टर्नर या फिर ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो जो आपका ड्यूरेशन आपको यहाँ पे रखेगी, आप किसी भी ट्रेड से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फिटर, टर्नर या फिर इलेक्ट्रीशियन, तो आपको सभी के लिए आपको जो ट्रेनिंग की पीरियड आपको रखी गई 1 साल आपको यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो जो हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर जो मैंशन की गई है तो यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो बोले कि द एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट बिलो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्टेड अलोन विथ कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स विथ ओरिजिनल एंड 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड शुड बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ DY मैनेजर SR तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट E3336 MIDC तलोजा। ये आपका एड्रेस दी गई है, इस एड्रेस में जितने भी आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका 10 या फिर 10+2 या फिर ITI का, उसके साथ आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड के साथ यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है DY मैनेजर तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट, ये आपका एड्रेस दी गई है। इस एड्रेस में जो आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के द्वारा जो है आपका 7/9/2020 से पहले जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी अगर निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है इस एड्रेस में भेज करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको 7/9/2020 इसका लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है। एंड आगे में यहाँ पे जो बोला गया कि ट्रू कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, तो जो भी आप अगर इस सेल्फ अटेस्टेड करते हैं उसमें आपका ट्रू कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट टेस्टिमोनियल्स रिगार्डिंग एज एंड क्वालिफिकेशंस एंड कास्ट, आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड के साथ आप भेज सकते हैं। एंड आगे में जो मेंशन की गई कि कैंडिडेट हो है पास्ट प्रीयर टू द ईयर 2018, तो अगर आप 2018 से पहले की अगर आपने क्वालिफिकेशंस है ITI में तो उन लोगों के लिए आपको जो एफिडेविट के साथ आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको जो है मजिस्ट्रेट से आपको यहाँ पे करवा लेना है एफिडेविट के साथ, उसके बाद ही जो है आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेज सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका आधार ID भी आपको यहाँ पे ली जा रही है। एंड आगे में यहाँ पे जो बता गया कि कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्व्स, तो जो ITI वालों के लिए जो एक ऑफिशियल जो पोर्टल होता है अप्रेंटिसशिप के लिए जो कि रजिस्टर करना पड़ता है www.apprenticeship.gov.in, सबसे फर्स्ट इसमें आपको जाना होगा, उसमें आप जाने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपका एक जो एक रजिस्टर ID आपको नंबर पंजीकृत नंबर मिल जाएगा, तो उसको आपको रख लेना है। आपको जो है जिस टाइम आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा उसमें आपको भर देना है। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई मैक्सिमम 25 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई, जो कि 1 अगस्त 2020 के अनुसार आपको यहाँ पर एज में गणना की जाएगी। अगर आप एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो कैटेगरी के अनुसार आप एज में आरक्षण ले सकते हैं। अगर SC ST में आते होंगे उसके लिए 5 साल का एज में आरक्षण दी जा रही है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल का, PWD वालों के लिए 10 साल का एज में आपको यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर दी जा रही है, तो आप ज़रूर से ले सकते हैं अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं। और जो कट ऑफ डेट और यहाँ पर जो बोलेगी 1/8/2020 के अनुसार आपको यहाँ से गिनती की जाएगी। ठीक है, जो आपका सैलरी या फिर जो मॉडिफिकेशंस या फिर कोरोडन यानी कि जो आपका यहाँ पे स्टाइपेंड कितनी सारी प्रोवाइड की जाएगी, अगर इस फॉर्म में आप गलती कर सकते हैं, अगर गलती की है तो मॉडिफिकेशंस करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो एक ऑफिशियल वेबसाइट दी गई इसमें आप अधिक जानकारी ले सकते हैं इसके स्टाइपेंड के बारे में, या फिर आप किसी तरह की गलती कर लेते हो फॉर्म को फिलअप करने में उसके अनुसार यहाँ से आप जो अधिक जानकारी ले सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की एक ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ठीक है,
नीचे में जो नोट में आपको यहाँ पे जो बोलेगी कि एप्लीकेशन रिसीव लेट विल नॉट बी कंसीडर। अगर आप इस फॉर्म को अब लेट डेट से अगर आप भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी निबंधन डाक के द्वारा तो उसको एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग जो आपका ड्यूरेशन 1 ईयर का आपको यहाँ पे बोली गई है। एंड आगे में यहाँ पे जो बोला गया सिलेक्शन कैसे आपको ली जा रही है, तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस आपको यहाँ पे बोला गया रिटर्न टेस्ट के थ्रू जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन ली जा रही है। एंड आगे में यहाँ पे जो बोला गया कि आगे यहाँ पे देख पा रहे कि जो अप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ पे दी गई है, तो सबसे फर्स्ट इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है उसमें से जाकर इसका ऑफिस अप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज जो कि फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चिपकाना है, उसके बाद आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेम होगा आपका फादर्स नेम, जो आपका लोकल एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ या फिर एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सब किस स्टेट से हैं उसके अनुसार आप कब कब पास किए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से किए हैं, ये सब आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको भर लेना है। एंड जो आप जो रजिस्टर कीजिएगा जो आपका अप्रेंटिसशिप जो आपका पंजीकृत रजिस्टर आईडी होगा जो इनरोलमेंट नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। SC ST किस कैटेगरी से आते होंगे उसको यहाँ पे भरना है। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है पूरी प्रोसेस यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे डिटेल पूछे गए हैं आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद जो है ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में आपको जो है लास्ट डेट से पहले जो आपको किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के द्वारा भेज करके जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।